सुनाते हैं। एक राजा के यहाँ गुरु जी सुनाते हैं अपने, एक राजा के यहाँ बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, तो बहुत दिन से भगवान से कहता, कन्हैया हम आपका इतनी सेवा पूजा करते हैं, कभी आप हमारे घर भी आइए। तो भगवान ने स्वप्न जब बहुत जिद किया तो मेरे गोविंद ने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। आप जैसे महाराज कन्हैया ने कहा कल आएंगे, तो उसने बढ़िया गलीचा बिछवाया, सब कुछ 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए, सब कुछ बड़ी व्यवस्थाएं की। अब महाराज इंतजार, सभी सोल्जर सिपाहियों को लगा दिया, कन्हैया आने वाले हैं, ध्यान रखना अन्यथा कोई ना आ पाए। बड़ी तैयारी है, दुल्हन की तरह महल को सजा रखा है। अब महाराज क्या हुआ, कन्हैया जानते हो किस रूप में आए? एक भिखारिन के रूप में आ गए। उन्होंने कहा, महाराज बहुत दिन से हम भूखे हैं, हमको 2 फुलके चाहिए। अब महाराज जैसे उसको लेकर के आए, राजा ने कहा, पता नहीं तुमको आज कौन आने वाला है, आज मेरे गोविंद आने वाले हैं और तुम इसको भगाओ यहां से। अब महाराज उसको भगा दिया। कन्हैया ने कहा, चलो एक बार कोई बात नहीं, दूसरे रूप में चलते हैं। एक कोढ़ी के रूप में आ गया। महाराज हमको दवाई की जरूरत है, हमारे प्राण जा रहे हैं, कुछ सहयोग कर दीजिए। राजा फिर झिड़का सिपाहियों को, अरे भाई तुम्हारे समझ में नहीं आता, आज हमारे यहाँ कन्हैया गोविंद आने वाले हैं और तुम ऐसे लोगों को अंदर ला रहे हो, इनको भगाओ। उसको भी बाहर कर दिया। भगवान ने कहा, चलो 2 बार कोई, तीसरी बार भी देख लेते हैं। मेरे गोविंद अंतिम बार एक औरत एक छोटा सा बच्चा लेकर के आई। महाराज इसको ठंड लग रहा है, बच्चे के पास कपड़े नहीं हैं, कुछ महाराज वस्त्र वगैरह हो तो आप दे दीजिए जिसकी ठंड से बचाव हो सके। फिर से लेकर के आए राजा, फिर तो आग बबूला हो गया, तुम्हारे समझ में नहीं आता, हम बार बार तुमसे कहते हैं कि आज हमारे यहाँ कन्हैया आने वाले हैं, द्वारिकाधीश आने वाले हैं और तुम बार बार ऐसे लोगों को अंदर ला रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या? अब महाराज पूरा दिन बीत गया, कन्हैया 3 बार आए। अब रात में जब राजा ने सोया तो कन्हैया स्वप्न में आ गए, स्वप्न में आ गए और स्वप्न में बात होने लगी। राजा ने कहा, कन्हैया आप बहुत झूठ बोलते हो, हमको क्या पता था कि देवता भी बहुत झूठे होते हैं। भैया कन्हैया ने कहा, किस बात के झूठे भाई, आपने कल क्या कहा था हमसे? आपने कहा था कि हम आएंगे, हमने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, आपके लिए रखा, सब खराब हो गया, दुल्हन की तरह महल सजवाई, महाराज मखमल का गलीचा हमने बिछवाया, कितनी व्यवस्थाएं नहीं की हमने, और आप आए क्यों नहीं? कन्हैया ने कहा, भले आदमी मैं एक बार नहीं, मैं 3 बार आया हूं, लेकिन 3 बार भी तुमने हमको धक्का ही मार के भगाया है। अरे अब तो भैया क्षमा मांगने लगा, प्रभु हमको क्या पता कि आप इस रूप में आएंगे, हमको तो लग रहा था कि आप राधा रानी के साथ मुरली बजाते हुए आएंगे, ये राम जी धनुष बाण लेकर के आएंगे जानकी मैया के साथ, और मेरे को क्या पता कि आप इस रूप में आ जाएंगे। अरे प्रभु आप कल आइए। भगवान ने कहा, आप बाद में आएंगे, अभी समय नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यही है भैया कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसीलिए दरवाजे में कोई भी आए उसको खाली हाथ वापस मत करिए, कुछ ना कुछ दे करके ही विदा करिए। तीसरा सूत्र, पहला सूत्र दिया क्षमा, दूसरा सूत्र दिया अतिथि सत्कार, और तीसरा सूत्र दिया महाराज जीवन में कभी पाप नहीं करना, क्योंकि पाप गुरु जी कहते हैं पापम प्रज्ञाम नाशयति, पाप से महाराज बुद्धि का नाश होता है, इसीलिए पाप नहीं करना। और दूसरी बात, पाप होते कभी देखना भी नहीं। मान लो कि हमारे गुरुदेव की कोई निंदा कर रहा है, या हमारे पतिदेव की कोई निंदा कर रहा है, या किसी हमारे ठाकुर जी की निंदा कर रहा है, तो यदि हमारे में सामर्थ्य है तो हम उसको रोक दें, और सामर्थ्य नहीं है तो वहां से उठ करके हम चले जाएं।
पाप करना नहीं और पाप होते देखना नहीं। पांडवों ने कहा, परीक्षित, तीन बातों का जीवन में ध्यान रखना, तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। महाराज उनका राज्याभिषिक्त किया। राज्याभिषिक्त करने के बाद पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए तैयार हुए हैं। इधर महाराज स्वर्गारोहण के लिए गए हैं, परीक्षित जी अपना राज्य कर रहे हैं। कुछ दिन बाद उनका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद, विवाह का मतलब ये नहीं है कि भोग विलास में इतना लिप्त हो जाएं कि महाराज दिन कब आए रात्रि कब गई कुछ पता ही ना चले।